हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज 4 जून है और देखेंगे आज क्या कुछ खास है हिंदी न्यूज़पेपर में। बट उससे पहले एक कोट दे दूँ आप लोगों को। योर लाइफ डज नॉट गेट बेटर इफ यू आर जस्ट थिंकिंग एंड थिंकिंग, इट गेट्स बेटर बट फॉर दैट यू नीड टू कम इन टू एक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आर्मी चीफ जनरल MM नरवाने ने बोला है कि ये जम्मू एंड कश्मीर में गार्ड को कम नहीं कर सकते। उसके बाद श्रीलंका में अभी एक कार्गो शिप में आग लग गई थी जो कि अभी पानी में डूब गया है, तो इन्वायरमेंटल डिजास्टर हो गया है वहाँ पे अभी। उसके बाद दिल्ली में अभी जो है, आपको पता है रामदेव बाबा ने कुछ रिमार्क्स, गलत रिमार्क्स दिया था एलोपैथी के बारे में, कुछ गलत बात बोला था। इसी को इस वजह से दिल्ली हाईकोर्ट ने अभी समन जारी किया है, इनको बोला है कि आने के लिए समन में, क्योंकि इन्होंने बोला था, इन्होंने क्लेम किया था कि पतंजलि का जो कोरोनल किट है, कोरोनल किट जो है वो क्योर है COVID-19 इन्फेक्शन के लिए। बाकी एलोपैथी के बारे में कुछ गलत बोला था, जिसके लिए डॉक्टर्स ने कल ब्लैक डे भी ऑब्जर्व किया था, बैंड ब्लैक बैंड बांध के। ओके, और इसके इसलिए उनसे रिस्पॉन्स भी मांगा है 3 वीक के अंदर अंदर। दिल्ली में केसेस बहुत ही कम हो रहे हैं, अभी 487 न्यू केसेस आए हैं बस, ठीक है। और टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा करवाए जा रहे हैं, 80,040 टेस्ट करवाए 24 घंटे में, तो केसेस बहुत कम हो गए हैं। तो ये दिल्ली में रह रहे लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है। और आप एस्पिरेंट्स अगर दिल्ली में रह रहे हैं तो अभी मतलब धीरे धीरे खतरा दूर हो रहा है, तो ये आपके लिए भी बहुत अच्छा है। उसके बाद ये SHG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बात किया जा रहा है। टोटल हमारे लिए 17 सस्टेनेबल गोल है, जिसका कि डेडलाइन 2030 तक है, 2030 तक सबको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो नीति आयोग के इंडेक्स के बारे में बात किया जा रहा है, तो इसके बारे में बात किया जा रहा है कि अभी इंडिया जो है इम्प्रूव किया है काफी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अगर देखें। किस फील्ड में? क्लीन एनर्जी के फील्ड में, अर्बन डेवलपमेंट के फील्ड में। 2020 का ये डेटा है, अकॉर्डिंग टू नीति आयोग 2020 SDG इंडेक्स, ठीक है। तो इसमें इंडिया ने अभी इम्प्रूव किया है क्लीन एनर्जी के फील्ड में, अर्बन डेवलपमेंट के फील्ड में, लेकिन उसके साथ ही इंडस्ट्रियल एरिया में डिक्लाइन हुआ है, इंडस्ट्री डिक्लाइन हुआ है, इनोवेशन सेक्टर डिक्लाइन हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिक्लाइन हुआ है, डिसेंट वर्क में कमी आ गया है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी घट गया है। तो ये प्रॉब्लम भी है फायदा के साथ साथ, ठीक है। और इंडेक्स की अगर बात देखें तो ये इम्प्रूवमेंट दिखा रहा है कि इनइक्वालिटी और ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। उसके बाद केरला जो है टॉप पोजीशन फिर से इसने हासिल कर लिया है रैंकिंग की बात करें तो, ठीक है, थर्ड एडिशन इंडेक्स में। और स्कोर जो है केरला का 75 है। उसके बाद तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश ने 72 स्कोर पाया है। और वर्स्ट स्टेट को अगर देखें, बिहार, झारखंड और असम जो है वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट है, ठीक है। और मिजोरम और हरियाणा की बात करें तो इसमें मतलब प्रीवियस ईयर्स से अगर देखें तो इसमें कुछ मतलब गेन हुआ है, इसने कुछ अच्छा किया है, मतलब इंडेक्स में मतलब पहले से अच्छा जगह इसने हासिल किया है, ठीक है। और बोला जा रहा है SDG का जो डेडलाइन है 2030 तक है। और नीति आयोग ने लॉन्च किया था इंडेक्स 2018 में, मॉनिटर कर रहा था कंट्री का प्रोग्रेस कैसा है, हाँ, थ्रू डेटा ड्रिवन असेसमेंट, डेटा ड्रिवन असेसमेंट के साथ। और फॉस्टर कर रहा था कॉम्पिटिटिव स्पिरिट स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में SDG को अचीव करने के लिए। और बात करें, UN ने जो असेसमेंट डेटा रिलीज किया था इसके लिए कि मतलब कि COVID-19 का कैसा इम्पैक्ट पड़ा है SDG को अचीव करने के लिए, तो उसमें बोला जा रहा था कि इंडिया में इनक्वालिटी बढ़ सकता है पेंडेमिक की वजह से, लेकिन नीति आयोग का जो इंडेक्स है वो इम्प्रूवमेंट दिखा रहा है कि SDG में इंडिया अभी इम्प्रूव किया है, सॉरी, लेकिन इनक्वालिटी बढ़ रहा है, ठीक है। अभी सोशल इक्वालिटी की बात करें तो इंडिकेटर्स जो भी है इनइक्वालिटी का, वो उसमें क्या क्या है, ग्रोथ रेट्स है, जैसे कि हाउस होल्ड का ग्रोथ रेट क्या है, उसका एक्सपेंडिचर पर कैपिटा कितना है, ये जो देखता है बॉटम 40% रूरल और अर्बन पॉपुलेशन को देखता है, जिसमें गिनी कोफिशिएंट भी शामिल है। जाके गिनी कोफिशिएंट के बारे में पढ़िए कि ये कौन सा इंडिकेटर है जो मतलब
सोशल इक्वालिटी को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। गो एंड रीड अबाउट गिनी कोफिशिएंट। उसके बाद सोशल इक्वालिटी इंडिकेटर्स की बात करें तो परसेंटेज ऑफ वुमेन और शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब रिप्रेजेंटेटिव जो भी है स्टेट्स लेजिस्लेचर में और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में, उसको भी देखा जाता है कि कितने मतलब एससी एसटी कैंडिडेट्स और वुमेन्स कितने हैं स्टेट लेजिस्लेटिव में और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में, जिससे पता चलता है कि सोसाइटी में इक्वालिटी है कि नहीं। तो ये सोशल इक्वालिटी इंडिकेटर्स की तरह यूज किया जाता है। और मतलब सोसाइटी में क्राइम अगेंस्ट एससी 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 एसटी कम्युनिटीज कितना है। सॉरी, द ओनली इकोनॉमिक इंडिकेटर दिस ईयर इज द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, मतलब कितना परसेंट पॉपुलेशन है लोएस्ट टू वेल्थ क्विंटिल्स। आगे बढ़ते हैं, ये जर्नलिस्ट का बात किया जा रहा है। आपको पता है कि मतलब कल सुप्रीम कोर्ट में ये गए थे जिनका नाम विनोद दुआ है, इन्होंने नॉर्थ दिल्ली रियोट केस में प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर के बारे में कुछ गलत रिमार्क्स दिया था, इस वजह से इनके ऊपर सेक्शन 124A के तहत सेडिशन का चार्ज लगाया था। तो ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, ये इनको मतलब पद्मश्री अवार्ड भी मिला हुआ है, ये सीनियर जर्नलिस्ट है। आपको पता है पद्मश्री जो है सिविलियन अवार्ड है, सबसे पहले आता है भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण, लास्ट में आता है ये फोर्थ हाईएस्ट नेशनल सिविलियन अवार्ड है, नहीं पद्म पद्मश्री, हाँ ये फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। भारत रत्न जो स्टार्ट किया था, इंस्टीट्यूट किया गया था 1954 में इंस्टीट्यूट किया गया था। आपको पता है हाईएस्ट ये मिलिट्री अवार्ड कौन सा है, मिलिट्री अवार्ड कौन कौन सा, हाईएस्ट उसमें परमवीर चक्र है, जाके उसके बारे में भी पढ़िएगा, ठीक है। इन्होंने यूट्यूब पे एक वीडियो टेलीकास्ट किया था जिसमें कि मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के बारे में कुछ गलत रिमार्क्स दिया था, ठीक है, जिसके वजह से इनके ऊपर सेडिशन का चार्ज लगाया गया था, ठीक है। तो अभी जो है 59 ईयर ओल्ड वर्डिक्ट में जो स्ट्रांग वर्ड्स बोला था सुप्रीम कोर्ट ने, और फिर से यूज किया गया है और बोला है कि डिस अप्रूवल, अगर डिस अप्रूव करता है रूलिंग रिजीम को तो इसके ऊपर सेडिशन का चार्ज नहीं लगा सकता, ठीक है। इस बेंच में जस्टिस यू ललित था जिसने राइट ऑफ एवरी जर्नलिस्ट को अपहोल्ड किया है कि वो क्रिटिसाइज कर सकता है गवर्नमेंट को, सॉरी इवन ब्रूटली, बुरे तरीके से गवर्नमेंट जो भी मेजर लेता है उसके अगेंस्ट, ताकि इसको फिर से अच्छे से इम्प्रूव किया जा सके लीगल मींस के थ्रू, और फ्री स्पीच जो है जर्नलिस्ट का उसको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, जो कि सेडिशन का चार्ज लगा के उसको दबाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद बोला जा रहा है कि रीजनेबल क्रिटिसिज्म जो होता है ये सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है कम्युनिटी के लिए, ये वीकनेस नहीं है, जजमेंट में ऐसा बोला गया है। और स्पिरिट और इंटेंट जो है 1962 के केदारनाथ सिंह वर्डिक्ट, केदारनाथ सिंह केस में जो वर्डिक्ट दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1962 में, उसको यहाँ पे इन्वोक किया गया है, जिसमें बोला गया था कि कमेंटिंग इन स्ट्रांग टर्म्स अपॉन द मेजर्स और एक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो भी मेजर और एक्ट लेता है उस पर अगर कोई स्ट्रांगली कमेंट करता है और कोई एजेंसीज अगर कमेंट करता है ताकि उसको एमिलियरेट अच्छे से सुधार सके, आगे इम्प्रूव कर सके जो भी कंडीशन है पीपल का, और ये जो भी मेजर्स और एक्ट्स लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा उसको कैंसिल किया जा सके या अल्टर किया जा सके बाय लॉफुल मींस, लीगल तरीके से, बिना इनिमिटी और डिसलॉयलिटी के, और बिना पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट किए, बिना वायलेंस क्रिएट किए, तो यहां पे आप सेडिशन का चार्ज नहीं लगा सकते। हाँ, जस्टिस ललित ने यह बोला है कि एवरी जर्नलिस्ट जो है वो इंटाइटल्ड है, उसको प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए केदारनाथ सिंह केस के जजमेंट को इन्वोक करके, ठीक है, इन्होंने ऐसा बोला है। उसके बाद देखते हैं चौकसी के बारे में, मेहुल चौकसी के बारे में बोला जा रहा है। आपको पता है 13,000 करोड़ इसने पंजाब नेशनल बैंक और SBI से लूट के फरार हो गया था, जो कि एंटीगुआ में मतलब अपना सिटीजनशिप लेके आराम से वहां पे जिंदगी गुजर बसर कर रहा था। फिलहाल इनको डोमिनिका लाया गया था, पुलिस का स्टडी में थे यहाँ पे, तो डोमिनिका गवर्नमेंट
इनके द्वारा बोला गया था कल कि इनको मतलब हिरासत में इनके कंसेंट से नहीं लिया गया है, बल्कि इनको वहां से किडनैप किया गया है, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बोल रहे हैं कि मतलब उनके द्वारा बेहतर से बेहतर प्रयास किया जा रहा है कि इसको इंडिया में वापस लाया जाए। आगे बढ़ते हैं, मेकोर माइकोसिस का केसेस जो है 1044 हो गया है सिटी में। मेकोर माइकोसिस जो है एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि एक फंगाई से होता है, मेकोर माइसिट्स उस फंगाई का नाम है, ठीक है। उसके बाद व्हाट्सएप की बात करें तो व्हाट्सएप एक नया प्राइवेसी पॉलिसी लेके आया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा है कि व्हाट्सएप एक ट्रिक यूज कर रहा है कि कंसेंट लेने के लिए इसका जो न्यू अपडेटेड प्राइवेसी पॉलिसी है उसको मतलब यूजर्स से कंसेंट लेने के लिए एक ट्रिक यूज कर रहा है ताकि वो मतलब उसके प्राइवेसी को अंडरमाइन कर सके। तो एक नया एफिडेविट फाइल किया गया था कोर्ट में व्हाट्सएप के न्यू प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर के। बोला जा रहा है कि ये बॉम्बार्ड कर रहा है नोटिफिकेशन के साथ जिसने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है नया इसका जो प्राइवेसी पॉलिसी है। तो रोज रोज ये मतलब नोटिफिकेशन मोबाइल में आते रहता है और बोला जा रहा है कि हु हैव नॉट एक्सेप्टेड द अपडेटेड 2021 प्राइवेसी पॉलिसी विद नोटिफिकेशन ऑन डेली बेसिस, ठीक है। डेली बेसिस पे वो नोटिफिकेशन भेज रहा है। ये सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट वर्क मतलब चल रहा है राजपथ में न्यू दिल्ली में, तो उसका ये फोटोग्राफ है। अब कल भी डिस्कस किया था न्यूज़पेपर में, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अभी बात कर रहा है ये यूएसए बेस्ड कंपनी है जो कि वैक्सीन मैन्युफैक्चर कर रहा है अभी कोविड का वैक्सीन। कंपनी का नाम है पी फाइजर जॉनसन एंड जॉनसन मॉडर्ना। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है बात कर रहा है तीनों कंपनी से और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बुक किया है 30 करोड़ डोजेस जो कि ये न्यू वैक्सीन के लिए जो कि अभी फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल पे। ये बनाने वाला कौन है? बायोलॉजिकल ई, जो कि हैदराबाद बेस्ड वैक्सीन फर्म बायोलॉजिकल ई हैदराबाद में सिचुएटेड है। और एक मिनट, हाँ, हाईकोर्ट जो है वो ऑर्डर दिया है ये गौतम गंभीर फाउंडेशन जो था उसके अगेंस्ट, क्योंकि ये क्या कर रहा था, ये गिल्टी पाया गया इसको, ये क्योंकि अनऑथोराइजेडली स्टॉक कर रहा था, प्रोक्योर करके स्टॉक किया था और डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था फवी फ्लू मेडिसिन COVID-19 पेशेंट को, ठीक है। तो बोला गया डूइंग चैरिटी फॉर सम अदर रीजन इज नो चैरिटी। तबियत थोड़ी ठीक नहीं है, इस वजह से खांसी हो रही है बार बार, इसके लिए सॉरी। तो कोर्ट ने बोला है कि डूइंग चैरिटी फॉर सम अदर रीजन इज नो चैरिटी, ठीक है। तो फर्स्ट पेज पे, फ्रंट पेज पे जितने भी न्यूज थे लगभग डिस्कस कर लिया मैंने। अब मूव करेंगे दूसरे पेज पे। ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जो भी है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का डायरेक्टर जो है उदित प्रकाश राय, उन्होंने बोला है कि जो भी गवर्नमेंट टीचर्स हैं उनको जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट किया जाए, क्योंकि टीचर्स जो है अभी फ्रंटलाइन वर्कर के तौर पे बहुत जगह उनको डिप्लॉय किया गया है। किस लिए? मैनेजमेंट के लिए, जो कि कंटेनमेंट जोन है उसके मैनेजमेंट के लिए, वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए, राशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ऑक्सीजन मैनेजमेंट के लिए, ये सब जगहों पे उनको डिप्लॉय किया गया है जो कि एक फ्रंट लाइन वर्कर के तौर पे काम कर रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने बोला है कि जल्दी से जल्दी इंश्योर किया जाए कि सारे गवर्नमेंट टीचर्स को वैक्सीनेट किया गया इमीडिएट बेसिस पे, ठीक है। उसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट जो है एडवांस प्रिपरेशन लेके चल रहा है ताकि 45,000 डेली केसेस को डील कर सके अगर थर्ड वेव आता है दिल्ली में तो। सॉरी, IIT एस्टिमेट्स अ साफ राइज ऑक्सीजन प्लांट्स इंस्टॉलेशन इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स डिलेड। ओके, उसके बाद ये दिल्ली महिला कांग्रेस जो है थर्सडे को इन्होंने लॉन्च किया था कैंपेन। आपको पता है दिल्ली गवर्नमेंट ने अलाउ किया है जो भी लीकर है वो होम डिलीवरी किया जा सकता है, तो इसके खिलाफ दिल्ली महिला कांग्रेस ने, जिसकी मतलब की चीफ अमृता धवन है, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था और कैंपेन लॉन्च किया था। बोला जा रहा है कि इसके बदले में सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है राशन वैक्सीन और मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए और उस पर कंसंट्रेट करना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट जो उसको छोड़ के लीकर पे कंसंट्रेट कर रहा है ताकि इससे ये ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके।
और बोला जा रहा है कि ये थोड़ी देर के लिए पर्सनल प्लेजर दे सकता है, ओके, लेकिन ये बहुत ज्यादा बर्बादी करता है फैमिलीज के लिए और जिसका एडवर्स इम्पैक्ट होता है विमेन और चिल्ड्रन पे, ठीक है। इसलिए बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए होम डिलीवरी प्रोवाइड करने के, जैसे कि लाइफ सेविंग मेडिसिन्स है, राशन्स है, लिकर को फिलहाल अभी नजरअंदाज करना चाहिए और गवर्नमेंट को मोर फोकस करना चाहिए, मतलब मेडिसिन्स, मेडिकेशन और राशन डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो ये था, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वेट अ सेकेंड। हाँ, अभी जो है मतलब जैसे कि क्लास 12 का एग्जाम कैंसिल हो गया है, लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि DU का जो है अंडर ग्रेजुएट एडमिशन प्रोसेस के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो सकता है 15 जुलाई से, ऑफिशियल्स ने ऐसा बोला है। अभी मॉनसून, मॉनसून के बारे में बात किया जाए, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस का एक एजेंसी है जो कि सॉरी सिस्मोलॉजी से रिलेटेड जो भी वर्क है उसको डील करता है, वेदर फोरकास्टिंग करता है और मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन करता है। इसको 1875 में स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। तो इसने बोला था कि पहले 31 मई को मॉनसून आने वाला है, फिर बोला था कि 1 जून को आने वाला है, अभी बोला है कि अभी 2 दिन का डिले हो गया है, 3 जून को मॉनसून आया केरल, केरला में, ठीक है। साउथ वेस्ट मॉनसून जो है एडवांस हो चुका है, कुछ पार्ट्स जो है साउथ अरेबियन सी में, जैसे कि लक्षद्वीप एरिया हो गया, साउथ केरला हो गया, साउथ तमिलनाडु हो गया, कोमोरिन मालदीव्स एरिया हो गया, जैसे कि सम पार्ट्स ऑफ साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल हो गया, ठीक है। तो ये बोला गया है IMD के द्वारा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी लक्षद्वीप में न्यू लेजिस्लेशन लाया गया था वहां के डेवलपमेंट के लिए और नए एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया गया था वहां पे, जिसके खिलाफ वहां पे काफी प्रोटेस्ट चल रहा था, एक्सपर्ट्स भी बहुत क्रिटिसाइज कर रहे थे और फिलहाल वहां पे हंगर स्ट्राइक फिर से हो रहा है, 7 जून को होने वाला है, ठीक है, नए लेजिस्लेशंस के अगेंस्ट, ठीक है। डिसाइड ऑन होम वैक्सीनेशन फॉर एल्डरली, बोला जा रहा है कि केरला में एक डिविजन बेंच है हाईकोर्ट का, उसने बोला है कि जो भी बेड रिडन मतलब पेशेंट्स हैं, मतलब वो उठ नहीं सकते, बेड पे ही रह सकते हैं, ठीक है, जो बेड रिडन पेशेंट्स हैं और जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको घर पे जाके उनके रेसिडेंस पे उनको वैक्सीनेट किया जाए, ऐसा डिसीजन लिया जाना है अभी केरला में हाईकोर्ट के द्वारा, ऐसा बोला जा रहा है। देखते हैं क्या होता है, अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही अच्छा एक स्टेप है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये एडिटोरियल पेज है, हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले देख लेते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है पहले उसको डिस्कस कर लेंगे। ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, एक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है जो कि 2016 में लॉन्च किया गया था, आप उसके बारे में भी जाके पढ़ना। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ये मार्च 2020 में लॉन्च किया गया था, जिसके तहत 5 किलोग्राम गेहूं और चावल जो भी वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनको दिया जाना है, ये प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था, ठीक है, तो इसके बारे में याद रखना और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बारे में भी जाके पढ़ लेना। बोला जा रहा है कि अभी जो मई महीने का फूड ग्रेन देना था वो अभी भी बाकी है और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अर्ज किया जा रहा है स्टेट्स को कि वल्नरेबल सेक्शंस जितने भी हैं, ठीक है, उनको मोर से मोर ज्यादा से ज्यादा राशन कार्ड इश्यू किया जाए, ठीक है। यहाँ पे भी लिखा है 55 करोड़ हैव रिसीव्ड देयर 5 kg ऑफ 5 kg पर पर्सन कोटा ऑफ फ्री व्हीट और राइस अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ये मनरेगा के बारे में बात किया जा रहा है, कल भी मैंने डिस्कस किया था कि मनरेगा में स्प्लिट करने का बात किया जा रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर ने ऐसा बोला है कि इसमें जो है वेज स्ट्रक्चर जो है इसमें स्प्लिट किया जाए ताकि सॉरी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब जो है उसके लिए अलग से वेज तैयार किया जाए ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा एम्पावर किया जाए। देखते हैं क्या होता है। कल बोला जा रहा था इसमें कि ये और ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकता है अगर ऐसा किया जाता है तो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
कल जो है प्रधानमंत्री जी के द्वारा इंटरेक्ट किया गया था क्लास 12 के जो भी स्टूडेंट्स हैं, और बोला गया कि टाइम को प्रोडक्टिवली यूज करें, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका एग्जाम जो भी अभी कैंसिल हो गया, टाइम को अच्छे से वो यूज करें। और ये एक सरप्राइज इंटरेक्शन था, उनके पेरेंट्स के साथ भी इंटरेक्शन था, ठीक है। और बोला गया कि प्रोडक्टिव और क्रिएटिव मैनर में टाइम को यूज किया जाए, कभी भी स्ट्रेस्ड फील नहीं किया जाए एग्जाम को लेकर के। और ये जो इंटरेक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। और बोला गया कि आप एंजॉय कीजिए आईपीएल को देख के, चैंपियंस लीग देख के, नहीं तो वेट कीजिए ओलंपिक्स के लिए। और एक मंत्रा याद रखने के लिए बोला गया कि हेल्थ इज वेल्थ। और पूछा गया कि आप लोग क्या कर रहे हैं फिट रहने के लिए, फिजिकली फिट रहने के लिए, ठीक है। और स्टूडेंट्स के द्वारा ये बोला गया कि जो एग्जाम को कैंसिल किया गया इसके वजह से एक बहुत ही बड़ा रिलीफ मिला है उनको, सॉरी, क्योंकि एक भयंकर अनसर्टेनिटी का टाइम बना हुआ है अभी कंट्री में कोविड पैंडेमिक को लेकर के। और वहां पे मोदी जी के द्वारा ये बोला गया कि डिसीजन जो लिया गया है एग्जाम को कैंसिल करने के लिए स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट में लिया गया है, ताकि उनको उनके लाइफ को मतलब रिस्क पे ना डाला जाए। ऐसा आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान में जो सिंध प्रोविंस वाला एरिया है वहां पे पाकिस्तान के द्वारा बोला गया कि जो भी गवर्नमेंट ऑफ एम्प्लॉयज हैं, अगर वो रिफ्यूज करते हैं वैक्सीन लेने के से, अगर वो वैक्सीनेटेड नहीं होते हैं तो उनको जो है सैलरी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा नेक्स्ट मंथ से। तो वहां पे भी वैक्सीन हेजिटेंसी सिंध वाले इलाके में बना हुआ है, जो कि एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। नासा जो अनाउंस किया है कि वीनस पे दो नया मिशन हो सकता है, और बोला है कि विल लॉन्च एट द एंड ऑफ द डिकेड एंड आर एम्ड एट द लर्निंग हाउ अर्थ नियरेस्ट प्लेनेटरी नेवर बिकेम अ हेल्थस्केप व्हाइल आवर टाउन थ्राइव, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, कब लॉन्च होता है वीनस मिशन। आगे बढ़ते हैं। तबीयत बहुत खराब हो गई है परसों से, कल तो और भी ज्यादा खराब थी, आज थोड़ा ठीक है। देखते हैं आगे, अब कुछ नहीं है, डायरेक्ट एडिटोरियल सेक्शन पे चलते हैं, देखते हैं कौन कौन सा एडिटोरियल। यार मैं पीपीटी बना के भी कर सकता हूँ, लेकिन क्या है ना, खुद खुद का भी काम रहता है, खुद का भी काम करना पड़ता है, तो पीपीटी बनाने में काफी टाइम लग जाता है, इस वजह से वो अभी नहीं हो पाता मेरे से। बेटर मेरे को यही लगता है। तो इसमें जो है एक ये सेंट्रल विस्टा वर्क को लेकर के, जो नेशनल म्यूजियम है उसको जो शिफ्ट किया जा रहा है उसके बारे में है। ये कार्टून है, कार्टून में कोर्ट के द्वारा बोला गया है कि आर्बिट्रे इरेशनल जो है पॉलिसी बनाया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट जो फटकार लगा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को वैक्सीन ड्राइव को लेकर के, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स को लेकर के डिबेट है, इसको आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो पर्सनली जाके। ये डिजिटल टैक्स के बारे में, अभी नया टैरिफ इम्पोज किया गया था यूएस के द्वारा, डिजिटल टैक्स इम्पोज किया गया था 6 कंट्रीज पे, बाद में उसको सस्पेंड किया गया उसके ऊपर है, तो उसको भी डिस्कस करने वाले हैं। ये वैक्सीन के बारे में बात किया जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला जा रहा है कि आप प्रोक्योर करो, अलॉट कर दो वैक्सीन, डिस्ट्रीब्यूशन का टास्क स्टेट गवर्नमेंट पे छोड़ दो। ये रूरल हेल्थ के बारे में बात किया जा रहा है, रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात किया जा रहा है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के बारे में बात किया जा रहा है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के बारे में बात किया जा रहा है, इसको भी अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। और ये स्टार्ट किया गया है कहीं और से ले गया है कहीं और, बांग्लादेश के बारे में, बायलैटरल टाइज के बारे में बात किया जा रहा है, तो इसको भी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं वैक्सीन प्रोक्योरमेंट के साथ। सॉरी, ये बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को बस प्रोक्योर कर लेना है वैक्सीन और अलॉट कर देना है, डिस्ट्रीब्यूशन का टास्क स्टेट पे छोड़ देना है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो नया लिबरलाइज्ड पॉलिसी लाया, जो कि अलाउ किया वैक्सीन कंपनीज को, जो कि खुद स्टेट के साथ डील कर सके एंड प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ डील कर सके, इसका बहुत ही लिमिटेड जो है फ्रूट मिला है, कोई ज़्यादा एडवांटेज मिला नहीं है। जहाँ पे अलाउ किया गया था कि वैक्सीन जो है 18 to 44 एज ग्रुप्स को दिया जाए,
और बल्क ऑफ वैक्सीन एडमिनिस्टर किया भी गया, जहाँ पे स्टेट का भी अटेम्प्ट था नेगोशिएट करना, ठीक है, नेगोशिएट डील्स विद इंटरनेशनल वैक्सीन कंपनीज, जिसका कोई फायदा हुआ नहीं। स्टेट वैसा कर नहीं पाए, वो लार्ज स्केल में वैक्सीन प्रोक्योर कर नहीं पाए। उसके बाद लार्ज स्केल वेरिएबिलिटी है स्टेट्स में वैक्सीन को लेकर के, मतलब कहीं वैक्सीन बहुत ज़्यादा है, किसी स्टेट्स में शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है, तो ये चीज़ें वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है स्टेट्स में वैक्सीन को लेकर के। जहाँ पे डिमांड किया जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को सोल बायर होना चाहिए वैक्सीन परचेज करने के लिए, प्रोक्योर करना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा एक्सप्रेस किया था, डिससेटिस्फेक्शन जताया था एग्जिस्टिंग सिस्टम जो भी है उसके लिए, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को कंपटीशन में डाल रहा है एक दूसरे के साथ, ठीक है, वैक्सीन सप्लाई को लेकर के। तो सुप्रीम कोर्ट भी इस पे कुछ नहीं था। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको इस तरीके से दिखाने का कोशिश कर रहा है जैसे कि ये स्टेट गवर्नमेंट की मांग थी, ताकि ये उनको खुद से डील करने दिया जाए, उनको सोल परचेजर के परचेजर रहने दिया जाए, ताकि वो खुद वैक्सीन परचेज कर सके। लेकिन बोला जा रहा है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मिस कैलकुलेशन था, और सेंट्रल गवर्नमेंट ये सोचा था वहां पे इतना भयंकर पब्लिक डिमांड नहीं होगा इस कैलेंडर ईयर में, और जो आउटपुट है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक का, ये सफिशियंट होगा इंडिया के लिए। जाके सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़िए, ये कहाँ लोकेटेड है ये भी देखिए। उसके बाद इंटरनेशनल अरेंजमेंट जो भी है कोवैक्स को लेकर के, जहाँ पे इंडिया जो है लार्ज सप्लायर था, अफ्रीका में लार्ज सप्लाई दे रहा था, एंड सेवरल कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड विद नो वैक्सीन डेवलपमेंट फैसिलिटीज। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि ऐसे में गवर्नमेंट ने प्रिवेंट किया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को, ताकि ये अभी वैक्सीन सप्लाई ना दे, और ऐसे में अनक्लियर है जो इंटरनेशनल सप्लायर हैं वो ट्रस्ट करने में, मतलब सही से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि इंडिया का जो लार्ज स्केल डिमांड है वैक्सीन सप्लाई को लेकर के, ये सही है या नहीं है। बोला जा रहा है गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, जो इंडिया को वीकेंड करता है, ठीक है। इट सीम्स डिस्परेट टू इंक्रीज शॉर्ट टर्म वैक्सीन सप्लाई, बोला जा रहा है गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म वैक्सीन सप्लाई इंक्रीज करना चाहिए, ओके। एंड वैक्सीन आर द मोस्ट सॉट गुड्स, मोस्ट सॉट आफ्टर गुड्स, वैक्सीन जो है अभी बहुत भयंकर डिमांड में, ओके। देर इज ऑप्टिमिज्म ऑफ इंक्रीज एंड सिग्निफिकेंट सप्लाई फ्रॉम भारत बायोटेक एंड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बाय अगस्त। अगस्त से जो है सप्लाई बढ़ सकता है भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से, और ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद बस कुछ ही ऑप्शन रह जाता है, जैसे कि वेटिंग फॉर द डोमेस्टिक सप्लायर, या तो डोमेस्टिक सप्लायर जो भी है उसको उसको वो जब तक प्रोडक्शन बढ़ाता नहीं है उसके लिए वेट करो, या तो फॉरेन से सप्लाई बढ़ाने के लिए बोलो, जो कि अभी नियर फ्यूचर में बढ़ने वाला तो है नहीं, ठीक है। और बोला जा रहा है कि स्टेट्स जो है जिसका कि कोर डिमांड है वैक्सीन को लेकर के, उनको ग्रेटर से दिया जाना चाहिए, ज्यादा ज्यादा बोलने का अधिकार दिया जाना चाहिए, ताकि कैसे क्या डिसाइड करना है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वैक्सीन को, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है, ये मॉनिटर कर सकता है, एडवाइस कर सकता है प्रोसेस जो भी स्टेट कर रहा है, ठीक है। एंड ये तभी कर सकता है जब ये सोल बायर अगर है तो। और सेंट्रल गवर्नमेंट और क्या कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी बना सकता है, लेकिन ऐसे में सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, प्रायोरिटी देना चाहिए ताकि स्पीडी एडमिनिस्ट्रेशन हो सके वैक्सीन का। एक मिनट आगे बढ़ते हैं, बात किया जा रहा है डिजिटल टैक्स स्ट्रक्चर के बारे में, ओके। अभी बोला जा रहा है कि वर्ल्ड जो है अभी पैंडेमिक से घिरा हुआ था, अभी भी है, ऐसे में टैरिफ वॉर अगर फिर से होता है, पहले हो रहा था यूएसए और चाइना के बीच में जब भी डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पावर में थे, तो अभी बोला जा रहा है कि अगर फिर से अभी ऐसा होता है तो वर्ल्ड अभी इसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। बात किया जा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है अभी अनाउंस किया था
25% टैरिफ रेट ओवर इसका जो $2 बिलियन इम्पोर्ट्स है 6 कंट्रीज से, जिसमें कि इंडिया भी है, उस पर 25% टैरिफ लगाया था इसने, लेकिन वो तुरंत सस्पेंड भी किया बाद में। उसके बाद ये टैरिफ किस पे लगाया गया था, जो भी डिजिटल गुड्स एंड सर्विसेज हैं, जैसे कि जो इम्पैक्ट कर रहा था यूएस के सिलिकन वैली का, जो कि टेक जायंट माना जाता है सिलिकन वैली यूएस का। अभी ऑफिस ऑफ यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव कैथरीन टाई, उन्होंने बोला है ये टैरिफ प्रपोज किया गया था गुड्स पे, जो कि गुड्स ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, इंडिया से, इटली से, स्पेन से, तुर्की एंड यूके से, और किस बेस पे, सेक्शन 301 को इन्वोक करके, और इन्वेस्टिगेशंस दैट फाउंड कि डिजिटल टैक्सेस जो भी हैं वो डिस्क्रिमिनेटरी है, ये सही नहीं है। और अगर इतना मतलब भयंकर टैरिफ अगर लगाया जाता है इन 6 इकोनॉमीज के ऊपर, जबकि ये सारे जो भी इकोनॉमीज हैं ये भी COVID-19 की वजह से ऐसे ही लड़खड़ा गए हैं, ठीक है, तो ऐसे में यूएस एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको देखते हुए सस्पेंड किया और बोला जा रहा है सस्पेंडेड पेंडिंग ऑन गोइंग टैक्स नेगोशिएशंस, ताकि उनको टाइम प्रोवाइड किया जाए फिर से नेगोशिएट करने के लिए, जो भी मतलब मेक प्रोग्रेस वाइल मेंटेनिंग द ऑप्शन ऑफ इम्पोजिंग टैरिफ अंडर सेक्शन। मतलब बोला जा रहा है कि फ्यूचर में इस सेक्शन को 301 को लगा करके ये फ्यूचर में टैक्स इम्पोज कर सकते हैं फिर से, अभी फिलहाल सस्पेंड किया गया ताकि स्टेट गवर्नमेंट सारे कंट्रीज को टाइम दिया जाए जिसपे लगाया गया था, ताकि वो फिर से नेगोशिएट कर सके। बैक स्टोरी की बात करें, ये जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया गया था ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे ही स्टार्ट किया गया था 2020 में, और डेडलाइन जो था इसका अप्रूव करने के लिए टैरिफ को इन्वेस्टिगेशन के बाद, ये इस वीक में लैप्स होने वाला था। और लेटेस्ट पॉलिसी अभी जो आया बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन का, उसी तरह अप्रूव किया गया और बाद में फिर सस्पेंड किया गया। अगर टैरिफ की बात करें तो फ्रांस पे लगाया गया था, जो कि फ्रांस का जो मतलब डिजिटल फर्म्स था वो इम्पैक्ट कर रहा था यूएस के फर्म्स को, जैसे कि अल्फाबेट हो गया, अमेजन हो गया, एप्पल हो गया, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारे यूएस बेस्ड जो भी जायंट्स हैं, इसको बहुत ही इम्पैक्ट कर रहा था फ्रांस की जो फर्म्स थी, तो इस वजह से फ्रांस पे टैक्स इम्पोज किया गया था। और बोला जा रहा है कि मिस्टर बिडेन का जो ये फैक्ट उनकी बात किया जा रहा है कि ये जो अभी यूज किया गया था टैरिफ एज अ स्टिक के तरह यूज किया गया था, ताकि फोर्स कर सके इकोनॉमीज को, ताकि वो नेगोशिएट कर सके डिजिटल सर्विसेज टैक्स को लेकर के। एक मिनट आगे बढ़ते हैं। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में बस 2% ही डिजिटल सर्विस टैक्स ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज लगाया गया था, जो कि नॉन रेसिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर्स जो भी हैं उनका टर्नओवर जिसका 2 करोड़ है, उसमें मात्र 2% डिजिटल सर्विस टैक्स लगाया गया था, ठीक है। और बोला जा रहा है कि अगर फिर से ये टैरिफ वॉर आउटब्रेक होता है, ये टेंशन को और भी ज्यादा कंपाउंड करेगा, बढ़ाएगा, और टैक्स से रिलेटेड स्कर्मिसेस झड़प होगा बिटवीन ट्रंप, व्हाइट हाउस एंड बीजिंग ऑन दिस अकाउंट, ठीक है। ऑन कॉस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया बोला जा रहा है कि इंडिया के लिए पोटेंशियली हाई कॉस्ट पे करना पड़ेगा अगर ऐसा किया जाता है तो। इंडिया का $118 मिलियन वर्थ जो है वो सिर्फ एक्सपोर्ट से आता है, ताकि जो कि डिजिटल डिजिटल गुड्स से रिलेटेड एक्सपोर्ट से आता है $118 मिलियन वर्थ, और अगर इस पे टैरिफ इम्पोज किया जाता है तो इंडिया को काफ़ी नुकसान होगा, और इसका रेंज ऑफ सेक्टर्स, डिजिटल सेक्टर्स जो है वो इम्पैक्ट होंगे इसके वजह से, क्योंकि ऐसे टाइम में जब फ्रेजाइल है इकोनॉमीज कोविड के इम्पैक्ट की वजह से, और पोस्ट कोविड रिकवरी के बाद जो है वर्ल्ड जो है हार्डली अफोर्ड कर सकता है टैरिफ वॉर,
and ways to protect a sector that has enjoyed low tax or tax free operations. बहुत समय से जब ये सेक्टर जो है टैक्स फ्री ऑपरेशन कर रहा था, ऐसे में टैक्स अगर लगाया जाता है तो इसके वजह से भारी नुकसान होगा. तो ये था एक आर्टिकल. उसके बाद नीचे चलते हैं, एक आर्टिकल नीचे है उसको डिस्कस कर लेंगे. ये सेंट्रल विस्टा वर्क को लेकर के जो नेशनल म्यूजियम है उसको जो शिफ्ट किया जा रहा है उसके बारे में बात किया जा रहा है. तो बोला जा रहा है कि एक नया नया घर आने वाला है आर्टिफैक्ट्स के लिए, जो भी कलाकृतियां थी उनके लिए. एक मिनट. बोला जा रहा है कि नेशनल म्यूजियम जो है दिल्ली का, ये एक रिपोजिटरी है, भंडार है इंडिया के रिच हिस्ट्री और प्राउड हेरिटेज हेरिटेज का. और यहाँ पे एग्जांपल दिया जा रहा है दूसरे कंट्रीज का, जहां पे ये बोला जा रहा है कि प्लांट मूव जो है जो सर्व कर सकता है कलेक्शन कंफर्ट और ऑडियंस एक्सपीरियंस नीड ऑफ द नेशनल म्यूजियम बेटर. यहाँ पे इजिप्ट का एग्जांपल लिया जा रहा है, जहां पे इम्प्रेसिव ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम जो था गीजा इन गीजा, जो कि रिप्लेस किया गया है क्राउडेड इजिप्टियन म्यूजियम जो कि ताहरीर में था, ताहरीर स्क्वायर इन कैरो में, वहां से इसको शिफ्ट किया गया. मैनी नेशनल म्यूजियम्स हैव मूव्ड टू न्यू प्रीमाइसेस. बहुत सारे नेशनल म्यूजियम्स को नए प्रीमाइसेस पे मूव किया गया. लिमिटेशंस का बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस भी है पुराने वाले म्यूजियम में. और अगर ये नए लोकेशन पे जाता है तो ज्यादा ज्यादा स्पेस प्रोवाइड करेगा, 4.5 times बिगर स्पेस प्रोवाइड करेगा करंट स्पेस से. और ये बोला जा रहा है कि म्यूजियम में जो है 2 लाख से ज्यादा कल्चरल कलेक्शंस है, और उसमें से मात्र 6% जो है वो ही सिर्फ हम डिस्प्ले कर सकते हैं. और अगर ऐसा किया जाता है तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें कि ज्यादा से ज्यादा कलेक्शंस को हम स्टोर कर सकें और उसको डिस्प्ले भी कर सकें नए नए गैलरीज को क्रिएट करके, ठीक है. और ये प्रोवाइड करेगा मच मोर स्पेस फॉर स्टोरेज, स्पेशली विद मोर कलेक्शंस बीइंग कॉन्स्टेंटली एडेड. जो कि एक्सकेवेशन अगर किया जाता है तो, और नए नए आर्टिफैक्ट्स अगर लाए जाते हैं तो उनको भी गैलरी बना के उनमें डिस्प्ले किया जाएगा, तो उसके लिए जगह भी तो होना चाहिए. पुराने वाले नेशनल म्यूजियम में जगह ही नहीं है. आप देखो ना, 2 लाख कल्चरल कलेक्शंस हैं जिसमें से मात्र 6% ही डिस्प्ले में है. तो इस वजह से बोला जा रहा है कि नया वाला जो जगह होगा वो प्रोवाइड करेगा बहुत ज्यादा स्पेस और स्टोरेज, और जहाँ पे नए जो एक्सकेवेशंस होंगे, डोनेशंस होंगे, रिपैट्रिएशंस होंगे, उसको हम शो कर सकते हैं वहां पे. बोला जा रहा है कि लंबे टाइम से जो एग्जीबिशन जो इंडिया का चल रहा है, इंडियन आर्ट का जो चल रहा है, जो कि फर्स्ट ऑर्गेनाइज किया गया था रॉयल एकेडमी इन लंडन में, बाद में शिफ्ट किया गया राष्ट्रपति भवन में, जिसके वजह से नेशनल म्यूजियम को क्रिएट किया गया और कलेक्शन नंबर जो है तभी से मैनिफोल्ड इंक्रीजिंग मैनिफोल्ड बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं. और बोला जा रहा है कि ये ओनली इंक्रीज फर्दर, ये तभी आगे बढ़ सकता है इन द नेक्स्ट फ्यू डिकेड्स, जब इसको मतलब और लार्ज स्केल पे इसको इम्प्रूव किया जाए, स्पेस बढ़ाया जाए, ठीक है. बोला जा रहा है नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक जो है दिल्ली में, ये बिल्डिंग्स जो है ये बहुत ही प्रोमिनेंट बिल्डिंग है, ठीक है. यहाँ पे कलेक्शन स्टोरेज एरियाज एंड स्पेसेस फॉर एजुकेशन विजिटर सर्विसेज, ये सारे लैंडमार्क लोकेशंस हैं वहाँ पे. और अगर वहाँ पे स्पेस इंक्रीज कर रहा है तो ये अलाउ करेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गैलरी वहाँ पे बनाया जाए, ताकि वहाँ पे बोथ एंशियंट और कॉन्टेम्प्रोरी इंडियन आर्ट और कल्चर जो है उसको डिस्प्ले किया जाए. करंट म्यूजियम है जो कि स्ट्रगल कर रहा है स्पेस को लेकर के, वहाँ पे मतलब प्रॉपर स्पेस नहीं है, जितना रिक्वायरमेंट है उतना स्पेस नहीं है, और एडिक्वेट इन्वायरमेंट भी नहीं है, इन्वायरमेंटल कंट्रोल भी नहीं है वहाँ पे. ट्रैवलिंग एग्जीबिशंस वहाँ पे नहीं दिखा सकते अभी स्पेस को लेकर के. तो ये अपॉर्चुनिटी है न्यू लोकेशंस, अगर उसको देते हैं नया लोकेशंस को अगर शिफ्ट करते हैं तो ये एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, जहाँ पे हम अकोमोडेट कर सकते हैं बोथ इंटरनेशनल और नेशनल ट्रैवलिंग एग्जीबिशंस, ठीक है. और नेशनल म्यूजियम जो है नोडल एजेंसी है फॉर ऑल आउटगोइंग एंड इनकमिंग कल्चरल कलेक्शंस
इंक्लूडिंग रिपैट्रिएटेड कलेक्शंस, और ये बेटर से बेटर नीड को सर्व करेगा आगे, अगर फ्यूचर में ऐसा फ्यूचर में अगर अभी ऐसा होता है तो। की स्किल्स फॉर स्टूडेंट्स के लिए बात किया जा रहा है कि नेशनल म्यूजियम ऑफ इंस्टीट्यूट जो है, जहाँ का हाईली स्किल्ड ग्रेजुएट्स जो है, जिसके नीड्स को भी सर्व करेगा ये, ठीक है। और इस मूव से वो भी बेनिफिट होंगे, स्टूडेंट्स को काफ़ी कुछ मिल सकता है ऐसे कलेक्शन से, स्टोरेज से, कंजर्वेशन से, इंटरप्रटेशन से, और वो काफ़ी बेनिफिट्स हो सकते हैं वहाँ के। लार्ज इंक्रीज इन लेबोरेटरी अगर होता है, लेबोरेटरी में इंक्रीज किया जाता है, गैलरी में इंक्रीज किया जाता है, टीचिंग फैसिलिटी में अगर इंक्रीज किया जाता है तो उनको काफ़ी फायदा मिलेगा, इससे बेनिफिट मिलेगा। वहाँ पे बात चल रहा है कि नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट जो है इसको भी इंक्रीज किया जाए, इसको अभी एक्सपेंड बात चल रहा है कि नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट जो इसको एक्सपेंड किया जाए, ताकि इसमें इनकॉर्पोरेट किया जाए और भी प्रोग्राम्स, जैसे म्यूजियोलॉजी हो गया, आर्ट हिस्ट्री हो गया, कंजर्वेशन हो गया, और भी अदर प्रोग्राम्स जो भी हैं आर्कियोलॉजी से रिलेटेड, आर्काइवल स्टडीज एंड सो ऑन। न्यू इंस्टीट्यूट अगर जो एक्सपेंड होगा नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट, उसमें और बेनिफिट जो हो रहा है, बोला जा रहा है कि इसका बेनिफिट बहुत ही तगड़ा हो सकता है फ्रॉम दी एक्सपेंडेड ऑपरेशन अगर होता है तो। इस कॉन्टेक्स्ट में बात किया जा रहा है कि कलेक्शंस को सेफ रखना है करंट बिल्डिंग में, और नए बिल्डिंग को अच्छे से तैयार करना है, और केयरफुली मूव करना है जो भी कलेक्शंस अभी यहाँ पे पड़े हुए हैं, जिसका पैकिंग बहुत ही सेफली होना चाहिए, और ट्रांसपोर्ट जो है बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और रिस्क ऑफ डैमेज भी है ट्रांसपोर्ट के टाइम पे जो भी कलेक्शंस हैं, और अगर ये अच्छे से सेफली करते हैं तो उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। बेटर डिज़ाइन और न्यू कलेक्शन स्टोरेज जो भी एरिया में न्यू लोकेशन पे, ये मिनिमाइज करेगा रिस्क जो भी इन्वायरमेंटल रिस्क है, डिजास्टर्स है, पेस्ट से जो भी दिक्कत है वो सारा मिनिमाइज होगा वहाँ पे। और रीवैम्प्ड फिर से डिज़ाइन किया नया जो नेशनल म्यूजियम है, दैट लुक्स बोथ पीपल एंड कलेक्शन कम्फर्ट, ठीक है। और इसमें गैलरीज हैं जो कि प्रोवाइड करेंगे एक्सीलेंट ऑडियंस एक्सपीरियंस, और अच्छा मतलब गुड एजुकेशन स्पेस भी प्रोवाइड किया गया है, मतलब प्रोवाइड किया जाएगा वहाँ पे, जहाँ पे टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाएगा बहुत ही क्रिएटिवली इंटरप्रिटेशन के लिए। आउटरीच एंड एजुकेशन कुड बिकम मस्ट विजिट फॉर एवरी विजिटर। और लास्टली ये बोला जा रहा है, इनफैक्ट इट कुड बिकम द एंकर फॉर द वाइब्रेंट म्यूजियम मूवमेंट इन इंडिया, बोला जा रहा है कि ये वाइब्रेंट म्यूजियम मूवमेंट हो सकता है इंडिया में। ये लिखा गया था विनोद डैनियल, जो कि बोर्ड मेंबर है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम एंड चेयरमैन है ऑस हेरिटेज के। तो आगे मूव करते हैं, अभी दो आर्टिकल और डिस्कस करना है हमें। एक तो ये डिस्कस करना है जो कि रूरल हेल्थ केयर के बारे में बात कर रहा है, जिसको अभी फिक्स करने की बात किया जा रहा है। भूपिंदर सिंह हुडा ने ये लिखा है, बोला जा रहा है कि ये जो कॉन्जिक्यूटिव वेव थे COVID-19 के और म्यूकोर माइकोसिस के, इन्होंने हमें सैटर करके पूरा बर्बाद करके रख दिया है, और इससे जो भयंकर क्षति हुआ है, नुकसान हुआ है, वो रूरल पीपल को सबसे ज्यादा हुआ है, जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। और बात करें तो उनको क्वालिटी हेल्थ केयर नहीं मिल पा रहा है, और की हेल्थ केयर की रोल ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो है रूरल एरिया में, ये है कि उनको प्रोवाइड किया जाना चाहिए रेगुलर एंड कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर नीड्स, ठीक है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बोला गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन का एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो इंटरनेशनल हेल्थ के बारे में बात करता है, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। 7 अप्रैल को हम हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे भी सेलिब्रेट करते हैं। तो ये वर्ल्ड हेल्थ के बारे में था, आगे बढ़ते हैं। और बोला जा रहा है कि हमें इंश्योर करना चाहिए ताकि जो कि ऑल पीपल्स जो हैं, ऑल पीपल हैव एक्सेस टू नीडेड हेल्थ सर्विसेज, ताकि प्रिवेंट कर सके, प्रिवेंशन होना चाहिए, प्रमोशन होना चाहिए, ट्रीटमेंट होना चाहिए, रिहैबिलिटेशन होना चाहिए, एंड पैलिएशन होना चाहिए ऑफ सफिशियंट क्वालिटी
और ये भी इंश्योर करना चाहिए ताकि यूज ऑफ दिस सर्विसेज जो है डज नॉट एक्सपोज द यूजर द फाइनेंशियल हार्डशिप, ठीक है, उनको उन पे इकोनॉमिक हार्डशिप नहीं आना चाहिए। उसके बाद डेटा का बात किया जा रहा है, डेटा में दिखाया जा रहा है कि यहां पे बहुत ही ज्यादा शॉर्टफॉल है। शॉर्टफॉल किस तरह से है, सेकेंड वेव जो है नोवल कोरोना वायरस का, इसने एक्सपोज किया है जो भी इनएडिक्वेट एंड पुअर हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, खास करके रूरल एरिया में। और फैक्ट जो है शेयर किया गया था यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अश्विनी कुमार चौबे, ये 23 जुलाई 2019 को राज्यसभा में इन्हें सजेस्ट किया कि 29,337 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, जिसका कि रिक्वायरमेंट है रूरल एरिया में कंट्री में 29,337, लेकिन है कितना हमारे कंट्री में, मात्र 25,743 प्राइमरी हेल्थ सेंटर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर आपको पता है गांव में जो होता है वो छोटा सा हॉस्पिटल टाइप का जो बनाया जाता है, जहां पे बैंडेज पट्टी वगैरह लगाया जाता है, उसको ही प्राइमरी हेल्थ सेंटर बोला जाता है। तो बोला जा रहा है कि यहां पे शॉर्टफॉल कितने का है, 3,594 जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं ये इनका शॉर्टफॉल है, इतना और होना चाहिए था। और इस वजह से बोला जा रहा है कि हमारे पास कितने प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, मात्र वी हैव ओनली 1 PHC फॉर 25 विलेजेस इंडिया, मतलब समझ रहे हो आप, 1 PHC 25 विलेज के लिए, 25 गांव के लिए है हमारे इंडिया में। और यहाँ पे जरूरत है रिविजिट करने का इसको, मतलब फिर से एम्पावर करने का, जहाँ पे और PHC कंस्ट्रक्ट करने का जरूरत है, ठीक है। और यहाँ पे एक्सपेंडेड PHC फॉर एवरी 10 विलेजेस होना चाहिए, ऐसा बोला जा रहा है। और जहाँ पे कुछ प्रोविजन होना चाहिए कुछ बेड्स का भी, जहाँ पे कुछ बेड्स भी होना चाहिए। अभी आप देखोगे मेरे गांव में भी एक PHC है जहाँ पे कोई बेड ना कोई डॉक्टर कुछ भी फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पे ताला लगा रहता है, वहाँ पे बकरियाँ रहती हैं। ये है प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स का हाल, जहाँ पे मिनिमम नेसेसरी फैसिलिटीज का भी बात किया जा रहा है। पता नहीं ये हो भी पाएगा इंडिया में पॉसिबल या नहीं, लेकिन देखते हैं, हमें पढ़ना है पढ़ लेते हैं। और ये बोला जा रहा है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स जो कि बोला जा रहा है 5,624 होना चाहिए, नहीं 5,624 है हमारे इंडिया में, होना कितना चाहिए 7,322 होना चाहिए। यहाँ पे बोला जा रहा है कि शॉर्टफॉल जो है 81.8% स्पेशलिस्ट एट CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में, 81.8% स्पेशलिस्ट जो है उसका शॉर्टफॉल है, उसकी कमी है कंपेयर टू द रिक्वायरमेंट फॉर एग्जिस्टिंग CHC, ठीक है। अगर बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 का, ये जाके देखना कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 जो है ये किसने रिलीज किया है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में जो है 8 हॉस्पिटल्स बेड्स फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ 10,000 पीपल, इंडिया हैज 8 हॉस्पिटल बेड फॉर पॉपुलेशन ऑफ 10,000 पीपल। अगर इसको कंपेयर किया जाए चाइना से तो वहां पे 40 बेड्स हैं फॉर द सेम नंबर ऑफ पीपल, तो देख लीजिए कितना ज्यादा, मतलब इंडिया में शॉर्टफॉल कितना ज्यादा है। 10,000 लोगों के लिए मात्र 8 बेड हॉस्पिटल में, और वहीं चाइना में एक आदमी के लिए 40 बेड्स। तो ये सब एरिया है जहां पे गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाना चाहिए और काम करना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। बात किया जा रहा है हरियाणा स्पेसिफिक, ये बात किया जा रहा है हरियाणा के पिक्चर के बारे में बात किया जा रहा है। तो हरियाणा बोला जा रहा है कि हरियाणा में जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बहुत ही बैकवर्ड रहा जब तक वो पंजाब का पार्ट रहा 1966 तक। उसके बाद उस टाइम तक पंजाब में, ये हरियाणा में मात्र एक मेडिकल कॉलेज जो कि पब्लिक सेक्टर था 2005 तक था। उसके बाद 2014 से अगर देखा जाए तो वहाँ पे बहुत ही इम्फेसिस दिया गया है ताकि हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ केयर फैसिलिटीज को इम्प्रूव किया जाए, हेल्थ एजुकेशन को प्रोवाइड किया जाए, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेज को इस्टेब्लिश किया गया, हेल्थ स्टेट हेल्थ यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया गया, 4 मेडिकल कॉलेज को इस्टेब्लिश किया गया, करनाल, फरीदाबाद, नूह, इनमेवात, एक मेडिकल कॉलेज वुमेन के लिए इस्टेब्लिश किया गया जो कि रूरल एरिया में सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में। और उसके बाद भगत फूल सिंह गवर्नमेंट मेडिकल
कॉलेजेस फॉर वुमेन को इस्टेब्लिश किया गया। और ये जो भगत सिंह फूल जो है मेडिकल कॉलेज, ये बोला जा रहा है सेकेंड वुमेन्स मेडिकल कॉलेज है आफ्टर जो है लेडी हार्डिंगे मेडिकल कॉलेज, जो कि दिल्ली में है, नदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में। उसके बाद वहां पे बोला गया कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सेकेंड भी इस्टेब्लिश किया गया। नेशनल कैंसर सेंटर भादसा विलेज में झज्जर डिस्ट्रिक्ट में मतलब कंस्ट्रक्ट किया गया। तो ये बहुत मतलब बड़ा इम्प्रूवमेंट है मेडिकल के फील्ड में, मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटी के फील्ड में हरियाणा स्टेट में। तबीयत बहुत भयंकर खराब है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। बस आप इसको शेयर करना, लाइक करना अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो, बाकी इसको धीरे धीरे और इम्प्रूव कर लेंगे, कोई बात नहीं। हरियाणा की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि हरियाणा में रिक्वायरमेंट है 5070 सब हेल्थ सेंटर्स का SHC, जिसको शॉर्ट में बोला जा रहा है 5070 होना चाहिए SHC, जहां पे अभी एग्जिस्टिंग कितना है 2666 है, 2666, और 845 PSC होना चाहिए अगेंस्ट अभी कितना है 531 प्रेजेंट में, और 253 CSC होना चाहिए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, लेकिन वो 118 है, हाँ, जो कि अभी वर्किंग स्टेट में प्रेजेंट में। और सेंसस 2011 का बात क्या आ रहा है, तो वहां पे पॉपुलेशन जो है 2.53 करोड़ पॉपुलेशन है। तो ऐसे में बात क्या है, आगे बढ़ते हैं हम, पहले यहाँ देखते हैं, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि गवर्नमेंट जो है हर एक स्टेट का इंगेज होना चाहिए रूरल कम्युनिटी के साथ, रूरल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, जैसे कि पंचायत हो गया, ग्राम सभा हो गया, नोटिफाइड एरिया कमिटीज हो गया, म्युनिसिपल बॉडीज हो गया, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हो गया, इन सभी के साथ गवर्नमेंट को इंगेजमेंट बढ़ाना चाहिए और मिनिमाइज करना चाहिए जो भी एडवर्स इम्पैक्ट होता है पेंडेमिक की वजह से रूरल लाइफ पे। और इसलिए ऐसा करने के लिए हरियाणा में जो है क्या किया गया, स्वास्थ्य कल्याण समिति को कॉन्स्टिट्यूट किया गया, SKS शॉर्ट में हम बोलेंगे इसको, SKS सभी CHC PSCs के लिए, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के लिए स्वास्थ्य कल्याण समिति को कॉन्स्टिट्यूट किया गया हरियाणा में। ये क्या करेगा, ये इफेक्टिव मैनेजमेंट करेगा स्ट्रक्चर का और इनेबल करेगा पीपल के पार्टिसिपेशन को, बेटर फंक्शनिंग को इंश्योर करने के लिए रूरल हेल्थ सर्विसेज में, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, यहां बात किया जा रहा है वर्ल्डोमीटर्स इन्फो के बारे में, याद रखिएगा वर्ल्डोमीटर्स इन्फो, वर्ल्डोमीटर्स इन्फो ने इसके अकॉर्डिंग 339 करोड़ पॉपुलेशन जो है इंडिया में, उसमें 91 करोड़ पीपल जो है जो कि विलेज एरिया में रह रहा है, गांवों में कितने गांव है, 649481 गांव में रह रहे हैं, और उसमें भी 10% पीपल ऐसे हैं जो रहते हैं अर्बन एरिया में, लेकिन वो पार्टली सेटल्ड हैं अर्बन एरिया में, क्योंकि वो फ्रीक्वेंटली विजिट करते रहते हैं विलेज एरिया, ठीक है। इस वजह से बात किया जा रहा है कि विलेज जो है वहां पे नीड है एडिक्वेट हेल्थ सर्विसेज का, क्योंकि अलार्मिंग प्रोपोर्शन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है इंडिया में, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आपको पता है क्या होता है, जैसे जुकाम हो गया, ये कम्युनिकेबल है, अगर मेरे को है तो आपको भी हो जाएगा अगर मेरे मतलब आसपास अगर आप रहते हो तो, लेकिन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या हो गया, जैसे डायबिटीज हो गया, समझे, कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो गया, ये सब जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो गया। तो बोला जा रहा है कि रूरल मतलब पॉपुलेशन जो है एट द वर्ज ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इन इंडिया, तो इस समय ऐसे टाइम में हम आइडल नहीं रह सकते, हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे रह सकते, और ऐसे समय में नीड है कि हम फोकस करें एग्जिस्टिंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे रूरल एरियाज में, ये हमारा अटमोस्ट प्रायोरिटी होना चाहिए पैंडेमिक के जाने के बाद, इम्पोर्टेंट टेक अवेज फॉर अस आफ्टर दी 2 waves ऑफ COVID-19, और हाल ही में म्यूकोरमाइकोसिस भी स्प्रेड हो रहा है धीरे धीरे करके, जो कि एक फंगल इन्फेक्शन है म्यूकोरमाइसिट्स फंजाई की वजह से होता है, ठीक है। ऐसे में जरूरत है वेल ऑयल्ड, अच्छे से ऑयलिंग किया हुआ हेल्थ मशीनरी का हमारे कंट्री में,
क्योंकि हमारे कंट्री में बहुत सारे ऐसे पीपल हैं जो भी अनवेयर हैं, अवेयर नहीं है, जो कि अभी ग्रिप में है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के, सच एज हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट हो रहा है पेंडेमिक के टाइम पे। ठीक है, उसके बाद सॉरी हेल्थ नेटवर्क के बारे में बात किया जा रहा है, WHO के एस्टिमेट के बारे में बात किया जा रहा है। WHO मैंने बताया था ये यूनाइटेड नेशन का एजेंसी है जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है जो इंटरनेशनल हेल्थ के ऊपर ध्यान रखता है। ओके, इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1948 में। ओके, तो ये था WHO। WHO के एस्टिमेट की बात करें तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है ये इंक्लूड करता है कौन कौन से केसेस, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, जो भी सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कैंसर। ओके, और इसके वजह से 41 मिलियन, 71% ऑफ ऑल डेथ्स जो होता है ग्लोबली इसके वजह से ही होता है, और 5.87 मिलियन, 60% जो डेथ होता है इंडिया में, 71% डेथ ऑल ओवर वर्ल्ड मतलब ग्लोबली जो होता है इसके वजह से होता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से होता है, और 60% जो डेथ होता है इंडिया में वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से होता है। तो याद रखना, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से इंडिया में 60% और ग्लोबली 71% डेथ होता है, ये WHO के डेटा के अकॉर्डिंग। और बोला जा रहा है कि इतने भयंकर लोगों को इतने लार्ज स्केल पे जब डिजीज फैल रहा है तो ऐसे में ट्रीट करना सबको पॉसिबल नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से प्री मैच्योर डेथ्स हो जाता है, मतलब जिनका जितना उनको जीना चाहिए उससे पहले वो मर जाते हैं और लार्ज स्केल पे प्री मैच्योर डेथ हो जाता है। और पर्सन विद सच कोमॉर्बिडिटीज बोला जाता है उनको, जो पहले से ही बीमार हैं जैसे कि डायबिटीज वगैरह के वजह से, तो ये कोमॉर्बिडिटी है एक तरह से, जिसके वजह से वो बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल है पेंडेमिक के टाइम पे। उसके बारे में उसके बाद बात किया जा रहा है कि अदर ऑप्शंस जो है, हमारे पास कुछ अदर ऑप्शन नहीं है, हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि उनको ज्यादा से ज्यादा लार्ज स्केल पर ट्रीट किया जाए, ताकि उनका ट्रीटमेंट प्राइमरी लेवल प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे ही हो जाए और फर्स्ट स्टेज पे ही हो जाए, ताकि उनको ताकि हम हेल्दी इंडिया क्रिएट कर सकें और उनका पैसा भी बच सके, ताकि वो अपने मनी को सेव कर सके और हम अपने रिसोर्सेस को भी बचा सकें, जो कि स्पेंड किया जाता है लार्ज स्केल पे टर्शरी लेवल हेल्थ केयर सेंटर्स पे, SSCs वर्क के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, तो SSC जो है यहाँ पे है हरियाणा में, SSCs के बारे में ये बात किया जा रहा है कि अगर ये इफेक्टिवली वर्क करता है तो लेस प्रेशर होगा, कम प्रेशर होगा PHCs पे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे, और अगर प्राइमरी हेल्थ सेंटर फंक्शन करता है अच्छे से तो मिनिमल प्रेशर होगा वहां पे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे, समझ रहे हैं आप? तो मतलब प्राइमरी लेवल पे अगर जो भी वहां पे एस्टैब्लिशमेंट है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी फैसिलिटीज है, वो अच्छे से अगर वर्क करता है, अच्छे से फंक्शन करता है, वहाँ पे सारे फैसिलिटीज को भी प्रोवाइड किया सकता है, अगर वो इफेक्टिवली ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है, तो उसके ऊपर वाले जो मतलब लेवल पे जो हेल्थ सेंटर है, जैसे कि प्राइमरी से ऊपर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो गया, तो वहां पे जो बर्डन है, जो प्रेशर है, वो बहुत ज्यादा घट जाएगा। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब भी प्राइमरी लेवल पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सही तरीके से यूज में लाया जाए, इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जाए, उनको स्ट्रेंथन किया जाए, तभी पॉसिबल है। लेकिन राइटर भी ऐसा बोल रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली हम वाइब्रेंसी और विटालिटी मेंटेन करने में असमर्थ हैं, ये हम कर नहीं पाए अगर देखें तो नेटवर्क ऑफ हेल्थ केयर में। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, वास्ट रूरल पॉपुलेशन जो है हमारा वो डिप्राइव हो गया क्रिटिकल हेल्थ इंटरवेंशन में। ओके, और चेन ऑफ SSCs जो है, PHCs जो है और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स जो है, ये बहुत अच्छे से ख्याल रख सकता है मल्टीपल हेल्थ केयर नीड्स का लोगों का। ठीक है,
और इनके पास एसएससी पीएससीज और सीएससीज इनके पास हेल्थ डेटा होना चाहिए पीपल का, उनके रिस्पेक्टिव एरियाज का, ताकि ये उनको इनेबल कर सके आइडेंटिफाई करने के लिए जो भी सेकेंडरी और टर्शरी केयर जोन में स्लिप करने वाले हैं बड़े प्रॉब्लम की वजह से। और रेगुलर हेल्थ कैंप्स भी ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके उनको जो कि ऐसे वर्ज पे हैं, एट दी वर्ज ऑफ डेवलपिंग ट्यूबरकुलोसिस, हाइपरटेंशन, डायबिटीज और एनी डिजीज, कोई भी ऐसी बीमारी जो लाइकली टू कॉज टू बी कॉज बिकॉज ऑफ देयर सोशियो एंड इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से जो भी होता है सोशल, मतलब वो अगर बहुत ही बैकवर्डनेस है, इकोनॉमिक कंडीशन मतलब इकोनॉमिकली उतना मतलब इम्पावर्ड नहीं है, उनके पास पैसे कम है, तो इसके वजह से अगर फैटेलिटी होता है तो उसको रोका जा सकता है, ठीक है। और सीएससी जो है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, उनको वेल इक्विप्ड किया जाना चाहिए, स्पेशलिस्ट वहां पे अच्छा से अच्छा होना चाहिए, और ये एक बहुत ही आश्चर्य क्रिएट किए करेगा, एक बहुत ही वंडर, इट विल डू वंडर्स अगर इसको हम एफिशिएंट बनाते हैं, ठीक है, ताकि वो इफेक्टिवली काम कर सके, तो एक बहुत ही बड़ा वंडर कर सकता है ये। और बोला जा रहा है कि सीएचसी में, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में भी है, कम से कम 30 बेड्स होना चाहिए इंडोर पेशेंट के लिए, ऑपरेशन थिएटर होना चाहिए, लेबर रूम होना चाहिए जहाँ पे प्रेगनेंसी के साथ डील किया जाता है, एक्सरे मशीन होना चाहिए, पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी होना चाहिए जहाँ पे मतलब जैसे कि ब्लड टेस्ट वगैरह करना है तो ये पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी होना चाहिए, स्टैंड बाय जनरेटर होना चाहिए अगर बिजली नहीं है तो, ताकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाए, और बाकी जो साधन होना चाहिए वेयर विदाल होना चाहिए वो प्रोवाइड किया जाना चाहिए। और बोला जा रहा है कि ये कि आप इमेजिन करो अगर काइंड ऑफ रिलीफ वी शुड वी वुड हैड टुडे, इस तरह का अगर चीज होता हमारे पास तो हम मतलब कितने अच्छे तरीके से फाइट कर सकते कोविड के अगेंस्ट, अगर हमारा नेटवर्क ऑफ एसएससीज जो है पीएससीज और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर अगर वो इफेक्टिवली वर्क करता तो। तो ऐसे में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात किया जा रहा है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं इसमें उनको रिविजिट करना चाहिए ताकि फिर से इस पे अच्छे से पॉलिसी बनाया जाए, इसको रिफर्बिश किया जाए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को रूरल एरियाज में, और उनको बेटर मैनर में बनाया जाए। और 65% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो बोला जा रहा है कि रूरल एरिया में ही रिसाइड कर रहे हैं, और हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते, उनको हेल्थ केयर नीड्स को इग्नोर नहीं कर सकते। WHO के अलग से नॉर्म्स हैं, यार्ड स्टिक्स हैं, उनका अलग अपना क्राइटेरिया है, हम लोगों का अपना अलग क्राइटेरिया, अपना अलग यार्ड स्टिक, अपना अलग नॉर्म हो सकता है, इवन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बेटर नॉर्म्स हम सेट कर सकते हैं अपने कंट्री के लिए, ताकि हम अपने कंट्री के पॉपुलेशन का बेहतर से बेहतर ख्याल रख सकें अगर हेल्थ केयर की बात आती है तो, इवन बेटर देन व्हाट हैज बीन स्टिपुलेटेड बाय WHO। और ये बात किया जा रहा है कि हेल्थ सब्जेक्ट जो है वो हेल्थ जो है स्टेट सब्जेक्ट है, बट ऑल दोज लिविंग इन रूरल एरियाज नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट्स, मतलब वो स्टेट का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और सेंटर का भी अलोन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बल्कि वहां पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों को मिल के काम करना चाहिए, और सिर्फ पैसे खर्च करने से रिजल्ट नहीं आएगा, हाँ हमें इंश्योर करना है कि मनी जो स्पेंड करते हैं हम वो फैसिलिटी इंप्रूव करने के लिए किया जाना चाहिए, ताकि लास्ट के लोगों का जो है लाइफ को ईज कर सके वो। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग भी है और इसके लिए हमें फर्म स्ट्रेटजी बनाना चाहिए और उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट किया किया जाना चाहिए, और रिगरस ऑडिटिंग जो है ये भी होना चाहिए, एंड सो दैट वी आर एवर वेल प्रिपेयर्ड नॉट ओनली टू मीट दिस पेंडेमिक, हमें सिर्फ ये पेंडेमिक को मीट करने के लिए, इसके साथ डील करने के लिए, इसको टैकल करने के लिए इस तरह से नहीं करना है, बल्कि हमें अपने रूरल फॉग जो है उनको हेल्दियर बनाने के लिए ऐसा करना चाहिए, ठीक है। वी मस्ट रिमेम्बर दैट नो वन विल सर्वाइव, कल भी ये न्यूज़पेपर में मैंने डिस्कस किया था वहां भी ऐसा लिखा था कि नो वन विल सर्वाइव अनलेस ऑल ऑफ अस सर्वाइव, जब तक हम सभी सर्वाइव नहीं करते तब तक अगर एक भी उसमें पीछे रह गया तो नो वन विल सर्वाइव। यहीं पे बर्ट्रेंड रसल हैज पुट इट, इट्स को एग्जिस्टेंस, मतलब हमें साथ मिलकर रहना है, और नो एग्जिस्टेंस, या तो एग्जिस्टेंस होगा ही नहीं। तो ये लिखा गया था, बहुत ही अच्छा आर्टिकल था, भूपिंदर सिंह हुडा जी के द्वारा लिखा गया था, जो कि फॉर्मर
चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं हरियाणा के, और लीडर ऑफ अपोजिशन इन हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, तो ये हेल्थ केयर से रिलेटेड था। आगे बढ़ते हैं, एक और आर्टिकल मैं डिस्कस करने वाला हूँ जो कि स्टार्ट किया था इन्होंने दिल्ली चीफ मिनिस्टर से, और चले गए ये फिर बाद में वेस्ट बंगाल पे, और ये लॉन्ग स्टैंडिंग टाइज के बारे में बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल फिगर्स इन इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, कॉर्डियल बायलैटरल टाइज के बारे में बात कर रहे हैं। कृष्णन श्रीनिवासन इन्होंने लिखा ये, तो हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आई होप यू आर गेटिंग वेल जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी क्या हुआ था, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली जो है अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने वार्न किया था यूनियन गवर्नमेंट को कि इंडिया में हो सकता है नया स्ट्रेन आ सकता है नोवेल कोरोना वायरस का, जो कि सिंगापुर वेरिएंट हो सकता है, जो कि चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, और कुड विजिट इंडिया एज अ पार्ट ऑफ थर्ड वेव के तौर पे वो आ सकता है, जो कि डिनाई किया, देयर वाज स्ट्रांग डिनाइल फ्रॉम द अथॉरिटीज इन सिंगापुर। सिंगापुर ने ये डिनाई किया कि सिंगापुर वेरिएंट नाम का कोई कोविड वेरिएंट आ सकता है। वहीं जो है दे रिजर्व द राइट टू, उन्होंने ये बोला कि ये इन्वोक करेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑनलाइन फॉल्सहुड एंड मैनिपुलेशन एक्ट अगेंस्ट द ऑनलाइन सर्कुलेशन ऑफ फेक न्यूज। इस पे चीफ मिनिस्टर को बहुत ही मतलब दिक्कत आ सकती है, डोमेस्टिक लॉ इन पे इन्वोक किया जा सकता है। इस पे बहुत ही ज्यादा भयंकर ओवर रिएक्शन था यहीं पे, क्योंकि कमेंट जो दिया गया था चीफ मिनिस्टर के द्वारा, इसने बहुत ही ज्यादा ओवर रिएक्शन क्रिएट किया। वहीं एस जयशंकर जो है, जो कि फॉरेन मिनिस्टर है हमारे, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने डिक्लेयर किया ये बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल कमेंट था, क्योंकि उनको ये जान लेना चाहिए कि ये डैमेज कर सकता है हमारा लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनरशिप जो है। तो सही बात है यार, अगर आप बिना एविडेंस के साथ अगर ऐसा कमेंट करते हो किसी नेशन के ऊपर, दूसरों ने किया वो अलग बात है, लेकिन हमें सेंसिबल होना चाहिए, बिना एविडेंस का आप कमेंट नहीं कर सकते, और ये बायलैटरल टाइज को भी हैम्पर कर सकता है। और इनअप्रोप्रिएट स्टेटमेंट के बारे में बात किया जा रहा है, कि बोला जा रहा है कि होम मिनिस्टर, मतलब कि ये जो इम्प्रोबेबल था, और डॉक्टर जयशंकर जो है उन्होंने कॉजन किया था, मतलब पहले से चेतावनी दिया था कैबिनेट कलीग को और होम मिनिस्टर को, जो भी डेरोगेटरी स्टेटमेंट दिया गया था उसके ऊपर, ठीक है। रेफरेंस लिया जा रहा है यहाँ पे बांग्लादेश का, ठीक है, टू प्रायर बांग्लादेश प्रायर टू एंड ड्यूरिंग द भारतीय जनता पार्टीज अनसक्सेसफुल कैंपेन, जब कैंपेन किया गया था बीजेपी का वहां पे, उस टाइम भी ऐसे स्टेटमेंट दिए गए थे डेरोगेटरी, जब भी वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हो रहा था, असेंबली इलेक्शन, उस टाइम पे भी, ठीक है। और होम मिनिस्टर ने डिस्क्राइब किया जो भी इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हैं वो बर्मिन है, दरिंदा, हिंदी अगर देखोगे तो दरिंदा हो जाता है इसका मीनिंग, जो भयंकर एक वर्ड है, ठीक है। तो होम मिनिस्टर ने डिस्क्राइब किया था जो इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हैं वो वर्मिन है, और जो कि पुश करेगा बे ऑफ बंगाल का, एंड जो भी पुश करेगा बे ऑफ बंगाल में मतलब रहने के लिए आएगा, और पुअर पीपल जो हैं बांग्लादेश में वो मर रहे हैं भूखमरी से, दे आर स्टार्विंग, विच ड्यू अ स्टिंगिंग पब्लिक रिव्यू, मतलब पब्लिक बहुत ज्यादा भड़क गए बांग्लादेश के। वहाँ का फॉरेन मिनिस्टर का भी बहुत ही एडवर्स स्टेटमेंट आया उस टाइम पे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हाल ही में 50th एनिवर्सरी मनाया गया बांग्लादेश का लिबरेशन का, 1975 में इसको लिबरेट किया गया था, जहाँ पे इंदिरा गांधी का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा उस टाइम पे। तो ये 50 साल पूरा हो चुका अगर 1975 से देखें तो, इस वजह से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी विजिट किया था 50th एनिवर्सरी पे बांग्लादेश। और ऐसे में अगर कोई कमेंट करता है तो ये बायलैटरल टाइज को बहुत ही हैम्पर कर सकता है, और इररिस्पॉन्सिबल कमेंट इसको ठहरा गया। ओके, और उनको ये अच्छे से जान लेना चाहिए कि इट वॉज प्रोफाउंडली इनअप्रोप्रिएट। बांग्लादेश के साथ डिप्लोमेसी की बात किया जा रहा है,
तो इंडिया का जो रिलेशन है बांग्लादेश के साथ, वो बोला जा रहा है कि बांग्लादेश जो है मोस्ट पॉपुलस मुस्लिम कंट्रीज वर्ल्ड में है, और साथ ही ये बहुत ही सेंसिटिव भी है, एक्यूटली सेंसिटिव है। और लगभग लगभग जो बांग्लादेश का टेरिटरी है, हर एक साइड से इंडिया से घिरा हुआ है। इट इज सराउंडेड ऑन ऑल टेरिटोरियल साइड्स बाय इंडिया। और यहाँ पे बहुत ज्यादा बायलैटरल प्रॉब्लम भी है लॉन्ग ड्यूरेशन से। अगर देखें तो पेरेनियली फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करें तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, ड्राउट्स एंड फ्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, 54 ट्रांसबाउंड्री रिवर्स की वजह से प्रॉब्लम है जो कि इंडिया से बांग्लादेश की तरफ फ्लो होता है, स्मगलिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, स्मगलिंग ऑफ गुड्स एंड वल्नरेबल ह्यूमन बींग्स अक्रॉस अप्रॉक्सीमेटली 41,000 किलोमीटर लैंड बॉर्डर। और ये जो टर्बुलेंट मतलब झगड़े से भरा मतलब हिस्ट्री रहा हमारा, पार्टीशन से, हिस्ट्री ऑफ पार्टीशंस, जहाँ पे एक तरफ ईस्ट बंगाल था दैट बिकेम द ईस्ट पाकिस्तान एंड देन बांग्लादेश, बाद में ईस्ट पाकिस्तान जो था वो बांग्लादेश बना 1975 में। जिस जहाँ पे मतलब भयंकर ब्लडशेड हुआ था, अब्यूज ऑफ ह्यूमन राइट्स हुआ था, जहाँ के लोग अभी भी इमोशनल हैं उसको लेकर के, और इसको हील होने में, इसको ठीक होने में जनरेशन लग जाएंगे ऐसा बोला जा रहा है। और ऐसा ये भी बोला गया है कि कुछ बांग्लादेशी हैं जो कि बिलीव करते हैं कि सेपरेशन फ्रॉम द हिंदू इंडिया इन 1947 जो था ये ज्यादा जरूरी था, मोर सिग्निफिकेंट था देन ब्रेक विद पाकिस्तान इन 1971। समझ रहे हो? सॉरी। हाँ, तो ये बोला जा रहा है कि कुछ बांग्लादेशी जो है ये सोचते हैं, ये बिलीव करते हैं कि 1947 में इंडिया से सेपरेट होना बहुत ज्यादा जरूरी था, अगर देखें तो ब्रेक विद पाकिस्तान इन 1971 से। वहां पे 3 लाख बिहारीज, बिहार के लोग मतलब बांग्लादेश में हैं, जो कि फेल हो गए पाकिस्तान में फिर से रिसेटल होने में जब बांग्लादेश को लिबरेट किया गया। वहां पे मिलिटेंट इस्लामिस्ट ग्रुप भी है जिसका नाम है हरकत उल जिहाद अल इस्लामी, हरकत उल जिहाद अल इस्लामी जो है मिलिटेंट इस्लामिस्ट ग्रुप है बांग्लादेश में, जिसका कि मतलब लिंकेज है और सपोर्ट मिलता है इसको आउटसाइड बांग्लादेश से भी। और इसके कंट्रास्ट में अगर देखें जो कि कन्फ्रंट करते रहता है इंडिया के साथ, उसके बाद वहां पे और भी बंगाली हैं जो ऐसा सोचते हैं कि जिसका रूट्स इंडियन ट्रेडिशन के साथ जुड़ा हुआ है, रिलीजियस अफिलिएशन है इंडिया के साथ, लिंग्विस्टिक अफिलिएशन है इंडिया के साथ, कल्चरल टाइज है इंडिया के साथ। ठीक है, तो 2 ग्रुप्स हैं बांग्लादेश में भी, और बोला जा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, जनरेशन्स ले लेगा ठीक होने में और रिजॉल्व होने में। एंड इट इज़ फॉर इंडिया टू शो, इंडिया के लिए कि पेशेंस दिखाना चाहिए इंडिया को एंड सिंपैथी रखना चाहिए। और ये सारा इंटरनल प्रोसेस है हीलिंग का, और टाइम के साथ ये खुद ही ठीक हो जाएगा। एज क्विड प्रो क्वो, मतलब अगर किसी चीज़ के बदले आपको कुछ मतलब गिफ्ट दिया जाता है या कोई कोई फायदा दिया जाता है, तो उसको एज क्विड प्रो क्वो बोला जाता है। फॉर इंडिया, इंडिया के लिए एज क्विड प्रो क्वो क्या हो सकता है? इंडिया ने मदद किया था किस लिए? लिबरेट करने में। इंडिया को कैसे इसका फायदा मिल सकता है? तो ये बोला जा रहा है एज क्विड प्रो क्वो फॉर इंडियाज बिनाइन अटेंशन एंड सपोर्ट, न्यू दिल्लीज एक्सपेक्टेशन आर दैट अ नेबर विल कीप इंडियाज कंसर्न्स इन माइंड। ठीक है, इंडिया का जो भी कंसर्न है, दिक्कत है, वो भी अपने दिमाग में रखेंगे जो भी वो अपना जब पॉलिसी फॉर्मुलेट करेंगे। ठीक है, इंडिया के कंसर्न को भी ध्यान में रखें, उसका बेहतर से बेहतर ख्याल रखेंगे। और इस तरह के अंडरस्टैंडिंग को इम्प्लीमेंट किया गया सीबीआरिटी और लैक्सिटी के साथ, फिलहाल जो रिजीम है उसके द्वारा। फेवरेबल स्टेप्स के बारे में बात किया जा रहा है, बोला जा रहा है डिकेड्स के बाद प्रो खालिस्तान प्रो पाकिस्तानी मिलिट्री जो है और सिविलियन गवर्नमेंट जो है, जो कि 1975 से है, मुजीबुर रहमान का जो डॉटर, मुजीबुर रहमान के जो डॉटर हैं उनकी जो बेटी है शेख हसीना, वो थर्ड टाइम अभी कंसेक्यूटिवली थर्ड टाइम इलेक्टेड हुई है। ठीक है, और
ये थर्ड टाइम जो है 2008 से देखा जाए, 2008 से ये कंसेक्यूटिवली वहाँ पे इलेक्टेड होते आ रही हैं, और उन्होंने अपना पोजीशन को जो है कंसोलिडेट किया है, और वो अनक्वेश्चन लीडर रही हैं वहाँ पे बांग्लादेश में, और वो हमेशा से विजिलेंट रही हैं, हमेशा से अपना नज़र गड़ाए रखी हैं, सुपरवाइज किया उन्होंने जो भी मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे, उस पे हमेशा नज़र बनाए रखी है, ताकि वो वहाँ पे उपद्रव जो भी मतलब क्या अटैक वगैरह जो भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वो ना करें, ठीक है। और इसके साथ ही एज वेल एज ऑन नॉर्थ ईस्ट मिलिटेंट मूवमेंट्स सेल्टरिंग इन बांग्लादेश, जो भी नॉर्थ ईस्ट के मिलिटेंट मूवमेंट्स, आपको पता है नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा मिलिटेंसी मूवमेंट होते ही रहता था, और वो सेल्टर लेते थे कहाँ, बांग्लादेश में जाके, और इसका रिजल्ट क्या हुआ, वो पैसिफिकेशन ऑफ इंडिया नॉर्थ ईस्ट हैज़ बिन ग्रेटली फैसिलिटेटेड, मतलब वो धीरे धीरे शांत हो गए इस वजह से, ठीक है। और ये किस वजह से हुआ, बांग्लादेश के सेल्टर को प्रोवाइड करने की वजह से हुआ। और अगर बात करें कनेक्टिविटी की, इंडिया के फायदे की अगर बात करें, तो जो शेख हसीना जी हैं, इन्होंने परमिट किया है इंडिया को, ताकि इंडिया जो है अपना नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है ना, जैसे कि ये हो गया अपना मणिपुर, जैसे कि इंडिया का हमारा वेस्ट बंगाल से लेकर के नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने की बात आ गई, असम मणिपुर मेघालय सिक्किम, इसके साथ ऐसे हमें कहाँ से जाना पड़ता है, चिकन स्नेक होकर के जाना पड़ता है ऊपर से, और इसके वजह से ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी टाइम लग जाता है। और जैसे कि शेख हसीना जी ने परमिट किया है कनेक्टिविटी को लेकर के, इसके वजह से इंडिया जो है कनेक्ट कर सकता है अपना वेस्ट बंगाल वाला जो रीजन है उसको डायरेक्टली, मतलब बाय लैंड रिवर एंड बांग्लादेशी पोर्ट को भी यूज, एयरपोर्ट को भी यूज कर सकता है, उसके लिए परमिशन मिला हुआ है इंडिया को, जो कि ट्रांसपोर्टेशन टाइम इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में पहुंचने के लिए बहुत ही ज्यादा घट जाएगा, ये एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट है इंडिया के लिए। और इंडिया ने भी काफी इन्वेस्ट किया है बांग्लादेश में, इन्वेस्टमेंट काफी इनकरेज किया है इंडिया ने बांग्लादेश में, एंड कम से कम 1 लाख इंडियन नेशनल्स जो हैं लिविंग एंड वर्किंग इन दैट कंट्री, 1 लाख इंडियन नेशनल, समझ रहे हो आप, उनको वहां पे एम्प्लॉयमेंट मिला, वहां पे रह रहे हैं फिलहाल, वहां पे काम भी कर रहे हैं, ठीक है यार। पड़ोसी नेशन के साथ हमेशा रिलेशन अच्छा ही रखना चाहिए, एक पाकिस्तान के साथ नहीं है, वो भी मतलब प्रॉब्लम ही क्रिएट करता है, अगर अच्छा रहता तो इंडिया बहुत ही ज्यादा डेवलप करता। चलो जो भी है, वो फॉरेन पॉलिसी डिजाइन करने वाले जो भी मिनिस्टर्स हैं वो देखें इन चीज को। 1 लाख इंडियन नेशनल्स, ये तो देख लिया। टू कंप्लीट द टाइज ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के टाइज को अगर कंप्लीट करना है, तो एक टाइम ऐसा आएगा अलॉन्ग विद फ्रीडम मूवमेंट, जो भी फ्री मूवमेंट के साथ साथ, जो भी फ्री मूवमेंट किसके लिए, कॉमर्स एंड कैपिटल के लिए, तो बोला जा रहा है कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एक टाइम आएगा ऐसा होगा कॉमर्स और गुड्स के साथ साथ जो है, जैसे नेपाल और भूटान में लोग नहीं जाते हैं बिना वीजा के, बिना पासपोर्ट के, वैसे ही ऑन द सेम लाइन्स पीपल विल विजिट बांग्लादेश, मूवमेंट वुड बी फैसिलिटेटेड ऑफ पर्सन्स ऑन द लाइन्स ऑफ नेपाल एंड भूटान, तो ये ऐसा हो सकता है, देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। अब इंडिया की बात किया जा रहा है कि इंडिया को क्या नोट करना चाहिए, इंडिया को एज अ मिड वाइफ जो है बांग्लादेश लिबरेशन स्ट्रगल में, और सोल इकोनॉमिक सपोर्टर जो रहा है बांग्लादेश का अर्ली ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम में, न्यू दिल्ली को व्यू करना चाहिए और ये संज्ञान में लेना चाहिए कि सेटिस्फेक्शन जो है बांग्लादेश कमिंग ग्रेजुएशन इन बांग्लादेश, आपको पता है 2026 में लीस्ट डेवलप से डेवलपिंग स्टेटस, डेवलपिंग कंट्री के स्टेटस पे पहुंचने वाला है, इससे पहले अभी जो है बांग्लादेश लीस्ट डेवलप्ड स्टेटस पे है। तो बोला जा रहा है कि न्यू दिल्ली जो है उसको, जब बांग्लादेश 2026 में लीस्ट डेवलप से डेवलपिंग स्टेटस पा लेगा, तो ये एक मतलब बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट होगा, स्टडी प्रोग्रेस एज वन ऑफ साउथ एशियाज लीडिंग परफॉर्मर्स इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, बहुत ऐसा ह्यूमन डेवलपमेंट, बहुत ऐसा मतलब रिपोर्ट आता है आप देखोगे जिसमें इंडिया से बेहतर परफॉर्म कर रहा है बांग्लादेश, ठीक है। अगर ह्यूमन राइट के फील्ड में देखो, बहुत सारा ऐसा फील्ड है जिसमें बांग्लादेश बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आपको पता है बांग्लादेश मेंबर भी है
आसियान का, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो आसियान के बारे में जाके पढ़ना कि कितनी कंट्रीज है उसमें, आसियान को फाउंड किसने किया था, फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन है, ठीक है, सबसे लेट किसने ज्वाइन किया और इंडिया ने इसको कब ज्वाइन किया था। तो इसका मेंबर सॉरी बांग्लादेश भी है। उसके बाद रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है इसको भी छोड़ा नहीं जा सकता, इसमें भी मतलब ये चाइना ने स्टार्ट किया था, ठीक है, आपको पता है इंडिया ने इसको ज्वाइन नहीं किया है, क्योंकि बोला जा रहा है इसकी वजह से इंडियन जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उसको बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है, खास करके एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज जो भी हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इस वजह से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसको ज्वाइन करने से रिजेक्ट कर दिया है। तो आप ये जाके पढ़िएगा, इसके टोटल फ्रेमवर्क के बारे में पढ़िएगा, ये कैसे कैसे इसमें क्या क्या होना है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में, और कितने नेशंस ने इसको ज्वाइन किया है, ये सारा आप जाके इसको डिटेल में गूगल पे पढ़िएगा। उसके बाद बोथ इंडिया एंड बांग्लादेश के बारे में बात किया जा रहा है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को लेकर के, पता है, और रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल्स के बारे में बात किया जा रहा है कि दोनों तरफ जो है रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल्स हैं बॉर्डर साइड पे, और गवर्नमेंट और अपोजिशन मस्ट एक्टिवली डिस्करेज फ्रॉम, मतलब गवर्नमेंट और अपोजिशन जो भी है उनको खुद को रोक के रखना चाहिए, कुछ भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए ताकि वो डेट्रीमेंटल हो कॉर्डियल रिलेशंस को डिस्ट्रॉय करने में, एग्जिस्टिंग कॉर्डियलिटी जो है दोनों के बीच में, ताकि उस पर कोई खतरा ना आए। और ऐसे में मिस्टर जयशंकर का जो डिक्टम है, जो इन्होंने वक्तव्य दिया अपना, जो इन्होंने बोला, इस टाइम पे एप्लीकेबल होता है उनके अपने पार्टी पे भी और अपोजिशन पे भी, ठीक है। तो कुल मिला के ये बोला जा रहा है कि ये सारा डिस्कस करने के बाद कुछ भी ऐसा स्टेटमेंट ना दिया जाए ताकि हमारा जो बायलैटरल टाइज है नेबरिंग नेशंस के साथ उस पर बुरा प्रभाव पड़े, ठीक है। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। अगर आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें अगर कुछ पूछना हो तो, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि और लोगों के साथ मैं इंटरेक्ट कर सकूं और ये और लोगों के साथ पहुंचे, और लोगों के पास पहुंचे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल, डिस्कस करेंगे कल का न्यूज़पेपर। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद।